अकीदे महदवियत के इनवान से, एक इल्मी मुजाकरे के इनवान से जो देख रहे हैं, ये सबकी जिम्मेदारी है जो भी अपने आप को पैरवे मकतब अहले बैत अलैहिस्सलाम जानता है, उस पर वाजिब और लाजिम है कि अपने जमाने के इमाम की मारिफत हासिल करे। क्योंकि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन मात वलम यारिफ इमाम जमान ही मातमीतन जाहिलिया, जो अब इंसान मर जाए और अपने जमाने के इमाम को न पहचाने, उसकी मौत जाहिलियत की मौत है। तो मासूम से वाह सवाल हुआ, जैसे कुरान में है कि कुरान की बाज आयात की तफसीर करती हैं, कुछ आयतें दूसरी आयात की तफसीर कर रही होती हैं, इसी तरह मासूम का एक कलाम दूसरे कलाम की तफसीर कर रहा होता है, एक हदीस दूसरी हदीस से बेशक समझ में आती है। तो मासूम से सवाल किया गया, मौला ये मारिफते इमाम से क्या मुराद है? आपने जो फरमाया कि जो इंसान ये जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिस वसल्लम इंसान के पास मारिफते इमाम नहीं है, इस दुनिया से जाता है, तो उसकी मौत जाहिलियत की मौत है। मौला ने यहाँ पर दो चीजें बयान की, उनको मैं बयान करके मैं अपने सवाल पे आऊंगा। मौला ने फरमाया कि मारिफते इमाम से मुराद ये है कि इंसान ये जाने, उसका ये अकीदा हो कि इमाम जमाना अज्जल अल्लाह फरजहु शरीफ, या हर वो इमाम जो किसी जमाने में जिंदगी बसर कर रहा है, मसलन मौला अली इब्ने अबी तालिब अलैहि सलातु वसलाम, मौला हसन अलैहि सलातु वसलाम, जो सारे हमारे इमाम हैं, उस दौर में अपने जमाने के इमाम को इस अंदाज से पहचाने। क्योंकि कमा हक्कहु मारिफत तो हम हासिल नहीं कर सकते, या अली मा अरफक इल्लल्लाह व अना, ए अली आपको या खुदा पहचानता है या मैं रसूल पहचानता हूँ, हकीकी मारिफत तो हम वाह हासिल नहीं कर सकते, कुन है मारिफत तो हम हासिल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये फरमाना कि मारिफत इमाम के बगैर अगर कोई चला जाए तो उसकी मौत जाहिलियत की मौत है, तो मौला ने फरमाया मुराद ये है कि इंसान ये जाने कि ये हुज्जते खुदा है, ये इमाम है, अगर इस पर ये हुज्जते खुदा अगर न हो तो ये कायनात खत्म हो जाएगी। लौ लल हुज्ज लसाखतिल अर्जु बि अहलिहा, अगर हुज्जते खुदा न हो तो ये जमीन अपने रहने वालों को निगल ले। तो ये अकीदा रखिए कि इस इमाम की ये जो हुज्जते खुदा है, इसकी मारिफत इस अंदाज से कि इस पर अकीदा रखना वाजिब है, इसकी इताअत करना लाजमी है, और इसका जो हर कौलो फेलो तकरीर है, तकरीर से मुराद यानी उनके सामने जो काम अंजाम दिया जाता है और वो खामोश रहते हैं, उस कौल को उस काम को रद्द नहीं करते, तो वो हमारे लिए हुज्जत है। यानी इंसान अहले बैत सुभान अलैहिस्सलाम को वास्ते फैज माने, जैसे कुछ अफराद जो हैं, अल्लाह जैसे आप जानते हैं पहले भी प्रोग्राम में ये बयान कर चुके हैं कि कुछ अफराद अहले बैत अलैहिस्सलाम के वास्ते फैज होने को और विलायत तकवीनी के मुनकिर हैं, कि इस कायनात में जो है अहले बैत अलैहिस्सलाम इस कौन में तसरुफ नहीं कर सकते, और वो ये कहते हैं कि फकत जो है विलायत तकवीनी खुदा के पास है, अहले बैत अलैहिस्सलाम के पास नहीं है। हकीकत में उन्होंने कुरान की आयात को, रिवायात को उस अंदाज से सही नहीं पढ़ा और मुताला नहीं किया। क्योंकि अगर नहीं इंसान कुरान की आयात और रिवायात को उस अंदाज में मुताला करता है तो वाजे हो जाता है कि ये कायनात, ये कौनो मकान, ये अर्जो समा बेवजूद ही सबततिल अर्जो वस्समा, ये इमाम जमाना सलाम है जिनके वजूद से ये आसमान और जमीन साबित है। यानी क्या? सही यानी इसका मतलब वाजह है कि अगर इमाम का वजूद न हो तो न ये जमीन रहेगी, न आसमान रहेगा, न कौन रहेगा, न मकान रहेगा। और अल्लाह तबारक व तआला ने इनके कमालात को मद्देनजर रखते हुए जो इनको बिलाखिर विलायत अता की है कि ए इमाम आप मेरे अब्द हो, ये कायनात तुम्हारे लिए मुसख्खर है, तो बिलाखिर मौला ने उसको सुभान जवाब दिया, जो अल्लाह इंसान इस दुनिया से
چلا جاتا ہے اگر امام کی اس انداز میں معرفت نہیں ہے اس کے پاس، تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے، جاہلیت کی موت ہے۔ مولا یہ کیا مراد ہے جاہلیت سے؟ مولا نے فرمایا جاہلیت سے مراد یہ ہے کہ وہ مات کافرا، وہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا، مات منافقا، مرے گا تو منافق ہو کے مرے گا۔